Hello students, how are you all? I hope you are perfectly fine and doing your studies at your home. Students, this is Saumitri Yadav, assistant teacher of Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Golam Bazaar, Gorakhpur. Students, I am here with a new online video class. Students, firstly, I will remind you once again that in the previous video lecture, we have discussed word meanings and also some question answer. But in this particular video lecture, we will discuss the question number C, which is thing and answer. Okay, students, question number C is given in your book and you have to firstly think and then you have to write the answer. So students, let's start. Firstly students, we will start from the previous video questions which we had discussed in the previous video lectures. So let's start. Students, in the question number first, we had discussed what did Kitty's father ask her to do. Did Kitty complete the task willingly? दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किटी के फादर ने उसे क्या करने के लिए कहा था और क्या किटी ने वो काम अपनी इच्छा से पूरा किया था. सो द आंसर इज किटीज फादर आस्ड हर टू गेट हिज लेटर्स. ओके, किटी के फादर ने क्या कहा था कि वो उसके लेटर्स को लेके आए. सो नो, किटी डिड नॉट कम्प्लीट द टास्क विलिंगली. किटी ने वो वर्क जो था, वो टास्क जो था, उसे अपनी इच्छा से कम्प्लीट नहीं किया था. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वाई डिड किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल. किटी ने विली के बॉल को लाने के लिए, वापस लाने का ऑफर क्यों किया था? तो हमने डिस्कस किया था कि किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल बिकॉज शी वॉन्टेड टू चेक दिस इफ द शूज़ वर कोऑपरेटिव और नॉट. ओके, किटी ने ऑफर इसलिए किया था क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसके शूज़ जो है उससे कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं. ओके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, हाउ डिड किटी फील आफ्टर शी डिलीवर्ड द बंडल्स ऑफ द पुअर. वाई किटी ने कैसा महसूस किया था जब उसने पुअर को बंडल्स जो है वो डिलीवर किए थे, कैसा फील किया और क्यों फील किया, इसका आंसर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट करना था. सो व्हाट इज़ द आंसर, किटी फेल्ट वेरी हैप्पी. किटी को बहुत ही अच्छा फील हुआ था एंड बिकॉज शी हैड डन अ काइंड वर्क, क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा वर्क किया था इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी. एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट डिड द क्रिकेट टेल किटी अबाउट हर शूज़. क्रिकेट ने किटी को उसके शूज़ के बारे में क्या बताया था. सो द क्रिकेट टोल्ड किटी दैट हर शूज़ वर मैजिकल एंड द मैजिक वुड स्टे टिल सनसेट. ओके, क्रिकेट ने किटी को बताया था कि उसके जो शूज़ हैं वो मैजिकल हैं और ये मैजिक जो है वो सनसेट तक रहेगा. So these were the question which we had discussed in the previous video lecture and it was question number B. Now we will discuss question number C. You can see on your screen. This is question number C. Firstly students, you will write CW and you will also mention the date. Okay, after mentioning the date, you will write question number C and write your thing and answer. Okay, after that you will write question number first. So what is the question number first? Question number first is what kind of person was Kitty at the beginning of the story? At the beginning of the story, Kitty किस प्रकार की वो person थी, कैसी थी वो. सो इसका आंसर जो है पहले आपको सोचना है कि आपको मैंने जब स्टोरी स्टार्ट किया था पढ़ाना तभी आपको मैंने बताया था कि बिगनिंग ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी के प्रारंभ में ही हमें ये पता चल गया था कि किटी कैसी लड़की थी. सो द किटी वॉज सच काइंड ऑफ अ पर्सन, इस तरह की पर्सन थी हु जो डिडेंट लाइक टू हेल्प अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करना पसंद नहीं करती थी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. ओके, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में यानी जब
कहानी प्रारंभ होती है, बिगिन होती है, शुरुआत होती है, तब हमें ये पता चलता है कि जो किटी है वो उस तरह की लड़की है जो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती थी. ओके, आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू विल कंप्लीट, देन यू विल राइट द आंसर. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, डू यू थिंक दैट द शूज helped Kitty become a better person? If yes, how? क्या आपने, do you think that, क्या आपको ये लगता है कि ये जो shoes हैं helped Kitty become a better person? Kitty के shoes ने उसे अच्छा person बनने में उसकी help की थी, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है, if yes, then how? और अगर नहीं लगता है, then how? तो भी कैसे? सो हमें लगता है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो हमने पढ़ी है, हमें अंत में पता चला था कि किटी जो है वो अपने शूज़ की वजह से पूरी तरह से उसका पर्सन, वो उसकी क्वालिटी जो है पूरी तरह से चेंज हो जाती है. तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये आंसर राइट करवाया है कि यस आई थिंक दैट द शूज़ हेल्प्ड किटी बिकम अ बेटर पर्सन बाय टीचिंग हर लेसन्स ऑफ काइंडनेस एंड गुडनेस. उस शूज़ ने उसे काइंडनेस और गुडनेस का लेसन सिखाया था, इसलिए जो है हमें लगता है कि जो किटी है, जो शूज़ हैं, उसने किटी की अच्छा पर्सन बनने में हेल्प किया था. ओके, तो प्रारंभ में, स्टोरी के प्रारंभ में, बिगनिंग एट द स्टोरी, यानी स्टोरी के प्रारंभ में हमें ये पता चला था कि जो किटी है वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी, वो दूसरों की हेल्प नहीं करती थी, वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसमें कोई भी दया की भावना नहीं थी. शी वॉज़ नॉट अ काइंड गर्ल, शी वॉज़ नॉट अ गुड गर्ल. ओके, एंड शी डिडंट लाइक टू डू अदर द वर्क व्हाट अदर पीपल आस्क्ड हर टू डू. ओके, जो दूसरे लोग उसे करने के लिए काम कहते थे तो वो उन काम को नहीं करती थी. सो दैट्स वाई हमने ये आइडिया लगाया था कि एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी शी डिडंट वॉन्ट टू हेल्प एनी अदर. ओके, वो दूसरों की हेल्प करना पसंद नहीं करती थी. लेकिन इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे ये पूछा गया है सेकेंड में कि जो शूज़ की वजह से जो है वो एक बेटर पर्सन बन गई थी, या आपको लगता है कि ये सही है? अगर सही है देन हाउ, और अगर गलत है तो तब भी हाउ, तब भी कैसे? So the answer is yes. हमें लगता है, I think that the shoes helped Kitty become a better person by teaching her lessons of goodness and kindness. Okay, उस shoes ने उन्हें उसे kindness और goodness का lesson सिखाया था. That's why we have right here. We have written here yes. Okay, इसलिए हमने यहाँ पे yes किया था. और अगर हमने, अगर हम इस यहाँ पे no करते, अगर हमें ऐसे लगता कि नहीं, सम अदर थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, मतलब उसके गुड पर्सन बनने के लिए शूज़ में हेल्प नहीं की है, अगर हम यहाँ नो लिखते तो हमें इसका रीज़न यहाँ पे राइट करना होता है. लेकिन हमें, हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हाँ, कि शूज़ ने उसे एक अच्छा पर्सन बनने की हेल्प की थी. सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर यस. नाउ लेट्स रिपीट द क्वेश्चन नंबर वन एंड टू विच वॉज इन द क्वेश्चन नंबर सी. सो वट वॉज द क्वेश्चन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर सी वॉज थिंक एंड आंसर. पहले बेटा आप लोगों को सोचना है, इसके बाद से आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज किटी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? ओके, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में किटी किस तरह की लड़की थी, ये आपको इसका आंसर राइट करना है. तो वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज किटी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? किटी वॉज सच काइंड ऑफ पर्सन who did not like to help others at the beginning of story. Okay, Kitty was such kind of person who did not like to help others at the beginning of the story. Okay, now the second question is, do you think that the shoes helped Kitty to become a better person? If yes, how? क्या आपको लगता है कि शूज़ ने उसकी हेल्प किया था एक बेटर पर्सन बनने के लिए? अगर यस, तो हाउ? तो हमारा आंसर था यस. अगर हाँ, हमने हाँ राइट किया, यस राइट किया, तो कैसे? बिकॉज आई थिंक दैट द शूज़ हेल्प्ड किटी बिकम अ बेटर पर्सन बाय टीचिंग हर लेसन्स ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस. ओके,
गुडनेस और काइंडनेस का लेसन सिखाकर उसने शूज़ ने किटी को एक अच्छा पर्सन बनाने में हेल्प किया था. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द पोयम विच इज़ गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द पोयम इज़ बटरफ्लाई Laughter. Okay, this is the name of the poem. You will read this poem at your home. आप इस poem को घर पे read करेंगे. In the next video lecture, we will discuss the summary of butterfly laughter. Okay, till then you will write all the questions. Question number A, question number B, and also question number C. Okay. Question number B and question number C. You will write both question in your CW copy as well as fear copy. Okay, you will write all the questions in your CW copy and fear copy, and you will also learn. Okay, you will also learn all the question answer and exercise at your home. Okay, that's it, students. We will meet tomorrow with a new online video class. Thank you, everyone.